पॉल्यूटेड हो जाती है इसका मतलब हमें यहीं पे काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या हो पॉल्यूशन कम हो अच्छा प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी अस्थमा ब्रॉकेटिस कैंसर स्किन डिजीजेस दिस वेर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग्स आर सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ डिजेज एयर पॉल्यूट ऑल्सो एयर पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ दी प्लांट्स प्लांट्स के ग्रोथ को भी डैमेज होता है नॉट ओनली लिविंग बट नॉन लिविंग ऑल्सो लाइक मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल द केस स्टडी वी हैव सीन इज इट सो एयर पॉल्यूशन कॉजेज डैमेज टू अवर ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नाउ इट इज अ टाइम दैट वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन वी गो फॉर रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन वी शुड टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स हमें कुछ तो करना पड़ेगा हमारे अर्थ को सर्वाइव करने के लिए सो डियर स्टूडेंट्स वॉट वी कैन गो फॉर डूइंग वी कैन गो फॉर प्लांटिंग मोटरीज वी कैन गो फॉर एवॉइडिंग द फायर क्रैकर्स वी कैन गो फॉर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वी कैन गो फॉर टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ अवर व्हीकल डियर स्टूडेंट देर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर फाइट अगेंस्ट द पॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल दिल्ली डेली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर सिटी इन द वर्ल्ड इट वॉज बीन चॉक्ड बाई द फ्यूम्स फ्यूम्स मतलब के स्मोक रिलीज फ्रॉम दी ऑटोमोबाइल रनिंग इन द डीजल्स एंड पेट्रोल द डिसीजन वॉज टेकन टू यूज द सी एनजी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेट्रोल एंड डीजल नाउ स्विच ऑन टू द सीएनजी ऑल्सो यूज द पेट्रोल विच इज अनलिटेड अगर पेट्रोल में लिट प्रेजेंट हो तो क्या को क्या होता है ज्यादा पॉल्यूशन होता है सो गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप दैट यू हैव टू यूज द पेट्रोल विच इज अनलिटेड दिस मेजर हैव द रिजल्टन इन द क्लीनर एयर ऑफ द सिटी यू माइट नो सम्पल्स ऑफ योर एरियाज ऑल्सो दैट हाउ द एयर इज रिड्यूसिंग डियर स्टूडेंट हम जो फेस्टिवल्स में फायर क्रैकर यूज करते हैं उसकी वजह से भी स्मोक बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है वी कैन से नो टू दूस ऑफ सच अ काइंड ऑफ द फायर क्रैकर द क्वालिटी ऑफ द एयर एट द वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज बहुत सारी जगहों पर अलग अलग जगहों पर एक गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर चेकअप पोस्ट भी लगाया हुआ है जिससे वो चेक करते है की इस पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉल्यूशन है वी कैन यूज दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस हम हमारे जितने भी नेबर्स है या जितने भी लोग हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस एरिया में इतना पॉल्यूशन है सो वॉट वी कैन गो फॉर डूइंग ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स देर इज ए नीड टू स्विच ओवर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल जो हम यूज कर रहे थे उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी हाइड्रो पावर एंड विन एनर्जी दिस विल बी हेल्पिंग अस टू गो फॉर क्रिएटिंग द फ्यूल विच आर फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन

द फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन द रेसिडेंशल एरियाज मतलब की अगर घरों के पास जहाँ पे बहुत पब्लिक रह रही है ऐसे एरिया में अगर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है तो उसको बहुत दूर किसी जगह पर ले जाना चाहिए जहां पर रेसिडेंशियल एरियाज न हो ये सारे जितने भी प्वाइंट है ये सब अगर हम फॉलो करें तो वी कैन गो विद द सर्वाइवल ऑफ अवर एयर एंड वी कैन से वी कैन गो विद रिडक्शन इन द एयर पोल्यूशन वी कैन मेक अवर सिटी clean from the air pollution by locating this particular points hope you understood the video and dear students this is the topic ending with the pollution of air pollution of air is over with this particular video in next video we will be starting with the new topic hope you enjoying the videos and trying to understand and dear students if you still go for having any doubt

So I hope that is going to help you a lot. All my dear students, may Allah bless you a lot. Stay at home, stay healthy, and also go for uh, making a dua for all other people.